मतलब मेले में कुछ लो ना लो पर ऐसी चीज जरूर लेनी चाहिए यार, जो लोग बाहर से आ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं ना देहरादून वाले हैं तो यहाँ रिश्तेदारी में आ रखे हैं, तो उनको भी ये चीजें यहाँ से लेके जानी पड़ेंगी। अरे जूस वाले भाई हैं, नाराज तो नहीं हो? गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, दो दो हैं यहाँ पे, मेरे को हाथ पे हथकड़ी लगी हुई है यार। लेकिन मेले में आए गलत काम न करें, लड़की न चिढ़े। आज ब्रह्मभोज खिलाया जा रहा है गांव में राहुल के यहाँ पे। आज भी गांव के लोग पुरानी मान्यता से खाते हैं, सभी लोग एक साथ बैठ के, बड़े बुजुर्ग ऊपर साइड, कोई नीचे साइड, ये देखो यहाँ पे रोज। कैसा लगा आज का स्कूल में? ठीक ही था। गुंजन की आवाज बैठ, मजा आए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, हो चुके एक नए दिन की शुरुआत और आज के दिन भी मैं पोखरी में हूँ। पिछले तीन दिनों से मैं यही हूँ, आज बारिश के कारण घर जा नहीं पाया, बट जब से मैं यहाँ हूँ तो पता लगा मेला दो दिन का और बढ़ गया है, तो बहुत अच्छी बात है। और जिनका सामान बिकना था उनका बिक गया है, लेकिन कुछ दुकानें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कल तक फुल दुकानें लगी थी और आज बहुत कम बची हुई है दुकान। तो यहाँ पे भाई से पूछना चाहेंगे, काम कैसे चल रहा है भाई का? काम भाई साहब ऐसे चल रहा है, अगली बार इस मेले में नहीं आएंगे, इतना खत्म काम है। आपकी वजह से मेला दो दिन बढ़ा दिया, तो कैसा लग रहा है? पब्लिक ही नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे। हाँ वो भी है, तो भाई से पूछेंगे भाई का काम कैसे चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है काम? सही चल रहा है भाई का, तो सही चल रहा है भाई का, क्योंकि भाई लवर्स लोग यहीं पे आते हैं सारे, तो भाई का सही है। तो दोस्तों, अभी थोड़ी देर बाद मैं भी मार्केट में जाऊंगा, देखूंगा यार आज, क्योंकि लास्ट के दो दिन सामान भी सस्ता रहता है, इनको भी अपना सामान निकालना होता है और अपने को भी सामान लेना होता है, तो सही मिलेगा यार सामान। और भीड़ बहुत कम है यार, उस हिसाब से जैसे पहले रहती थी ना, 6-7 दिन फुल भीड़ रहती थी। तो बारिश की वजह से पूरा फील्ड ऊपर गीला हो रखा है, आज प्रोग्राम तो होगा नहीं, दो दिन ऐसे ही है, मतलब जिसको सामान लेना है वही आ सकता है, और सारे लोकल के लोग ही ले रहे हैं यहाँ पे सामान, दूर दूर से तो ज़्यादा आ नहीं रहे। मौसी जी के पड़ोसी भी आ चुके हैं दूध लेने के लिए, ये देखो। हेलो हेलो कर, भाई कहाँ ना, हेलो करो दोस्त को, हेलो कर दो, हाय हाय, हेलो कर दो, दोनों दोस्त हैं तुम, हेलो कर दो, उल्टे हाथ से नहीं, ये भी करियो, हेलो हेलो हेलो, इस हाथ से भाई, इस हाथ से हेलो, इस हाथ से वो करो, वो को गले मिला पार कर भाई, पार कर, हां ए काना सिंगोर खेलवे। तो दोस्तों, धूप भी आ चुकी है इस टाइम और अभी सही टाइम है सामान खरीदने के लिए, और यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं, यहाँ पे देखो ताई, देखो मेले जा रहे हैं। क्या क्या लोगे आप सामान? अच्छा चलना आजकल तो लहसुन बहुत सस्ती मिल रही है, 50 रुपए किलो खाना, हाई कर खाना, बाई कर बाई, चलते हैं। जो भी यहाँ पे क्वार्टर हैं ये सारे PWD के हैं, तो ये गवर्नमेंट से मिले हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे काठी अखोड़ बहुत सस्ता मिल रहा है, 200 रुपए किलो, 100 रुपए के 2 किलो लहसुन मिल रहे हैं। तो जिस हिसाब से मेला बढ़ गया एक दो दिन, उस हिसाब से भीड़ तो ठीक ठाक ही है, लेकिन खास भी नहीं है। और मौसी ये तो टन शॉपिंग करने जा रखे हैं और मेरे पास दे रखा है ये, अब इसको घुमाने की जिम्मेदारी मेरी है आज, देखते हैं अब क्या होता है आगे आगे, मौसम दिखाता हूँ मैं आपको। तो आधे से ज़्यादा दुकानें तो जा चुकी हैं, कुछ कुछ दुकानें बची हुई हैं यहाँ पर। दोस्तों, अभी इस साइड आ रखा था मैं, मतलब कल तक जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती थी, आज वहाँ एक भी नहीं है, ये देखो सब खाली पड़े हैं, ड्रैगन खाली है, चरखी खाली है, मगर यार इधर एक बंदा भी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी स्कूल वालों की छुट्टी नहीं हुई ना, जब उनकी छुट्टी होगी उसके बाद यहाँ पर चालू होगा, पूरा खाली है यार ऊपर से नीचे तक। इसको बिठाने लाया था मैं बतख में, ये भी खाली है, भाई का भी काम खाली है, सारे खाली हैं यार यहाँ पर। इस साइड थोड़ा बहुत भीड़ है एक दो की, ये महमूदी जा कूद कूद, उठ उठ उठ, जा कूद, और भेरो। तो दोस्तों, इसको इसमें बैठा रहा था, ये तो बैठा है नहीं, तो सारे खाली पड़े हैं। भाई से पूछना चाहेंगे, जिस हिसाब से मेला दो दिन बढ़ा, आपको लगा कि कुछ फायदा हो रहा है आपके लिए? नहीं हुआ फायदा, ऐसे ही है ना सब, नहीं हुआ फायदा, काम चल रहा है, मतलब सबसे ज्यादा काम यहीं पे खराब है, कोई दिख ही नहीं रहा। ये हमारे जूस वाले भाई हैं, नाराज तो नहीं हो? नहीं। दोस्तों, बहुत भीड़ कम है यार, ऐसे में किसी का मन भी नहीं कर रहा आने का, खाली वही जो लड़कियों वाला सामान है वही बिक रहा है, और कुछ नहीं बिक पा रहा है। उसको बैठा रहा था इसमें, ये भी बैठा नहीं, भाई के 10-20 रुपए माइनस में चले गए। तो दोस्तों, अभी मैं ऐसी जगह पे आ रखा हूँ जहाँ पे भीड़ बहुत कम है, लेकिन अपने उत्तराखंड में जो सारी लोकल चीजें होती है वो यहाँ पे हैं। मतलब मेले में कुछ लो ना लो पर ऐसी चीज जरूर लेनी चाहिए यार, जो लोग बाहर से आ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं ना देहरादून वाले हैं तो यहाँ रिश्तेदारी में आ रखे हैं, तो उनको भी ये चीजें यहाँ से लेके जानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमारे भाई जी बैठे हुए हैं, अब भाई जी बताएंगे क्या क्या है यहाँ पे।
ये कोनी है हाँ। कोनी जो अभी गढ़वाल में लुप्त हो चुकी है हाँ। ये जंगोरा है, देखो जंगोरा जी, ये मंडुए का आटा है जी, जिसको बैग नहीं मिल जाता है जी। यहाँ पे ये जखिया है जी, जो हमारी पैकेजिंग हिलास नाम के नाम से ब्रांड है, ये देखो दोस्तों ब्रांड का नाम है। और इसी के साथ ये हल्दी है, लोकल हल्दी, और ये लोकल धूप जो यहाँ से सुमैया पैया कुंजू देवदार इनकी पत्तियों से उनका पेस्ट बना के इसको बनाया जाता है। ये लोकल अचार है जो यहाँ बनता है, लहसुन का है, मिर्च है, हमारे पास ये लोकल पहाड़ी बीज हैं इनमें से, जैसे ये पालक का है और ये लोकल राजमा है, ये सोयाबीन है। इस जैसे यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है तो इस हिसाब से आपको बेकार नहीं लगता कि यार सारी ऑर्गेनिक चीजें जो विलुप्त हो चुकी हैं फिर भी वो रखी हुई हैं? हाँ आते हैं लोग, इनकी तो ऐसी डिमांड आती है हमारे पास से कि ये आज शाम तक तो रहेगा नहीं हमारे पास जी भैया जी, क्योंकि जो लोग गांव से आए उनके यहाँ ऑलरेडी होता है। हाँ, वहाँ तो है जैसे। वो लोग ले जाएंगे नहीं। हाँ। जो मार्केट में रहते हैं टीचर वगैरह वगैरह वही लोग इनकी डिमांड करते हैं और वही ले जाते हैं। चंगोरा का रेट क्या चला है जैसे ये बना बनाया है? ये जैसे है 60 रुपए पैकेट है आधा केजी का, और ये कोनी है ये 130 रुपए किलो है। तो दोस्तों लगा लो यार, मतलब अब लोग खेत वेत सब करना छोड़ दिए हैं तो इस वजह से इसके रेट भी बहुत हाई फाई हो गए हैं। ये लेकिन इनको रोकने की एक विशेष पहल है हमारे, मैंने यहाँ पे प्लान को रोकने का है। और सबसे बड़ी चीज़ है जो झंगोरा है शुगर में बहुत काम आता है, तो शुगर वाले शुगर में काम आता है झंगोरा कोनी, ये सब मतलब जैविक चीजें हैं, ये मतलब आदमी को नुकसान नहीं पहुँचाती है, ये जो भी आप फायदा ही देती है। जैसे इसकी खीर हो गई, बहुत टेस्टी खीर होती है, सही बात है, जो मार्केट में कोई चावल नहीं 120 का भी लोगे तो उसमें भी ये टेस्ट नहीं आएगा। सबसे बढ़िया है ये हाइब्रिड की चीजें नहीं है, सब ऑर्गेनिक उगा रखी है, ऑर्गेनिक है पूरी ऑर्गेनिक। तो दोस्तों जब भी आओ मेले में तो ऐसी दुकानों पे जरूर आना, और नेक्स्ट टाइम यहाँ पे भाई दिखेंगे, मेला परसों तक चल रहा है तो भाई के पास एक बार जरूर आना भाई लोग। तो दोस्तों धूप काफी हो गई थी तो मैं इसको लेके घर आ चुका हूँ, अभी मौसी लोग आए नहीं है, काफी शैतान है यार। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी जा 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 कहाँ ना देख, जहाज कहाँ है? काची ऊपर घूम रहे हैं बाज, ये बोला है जहाज। हेलीकॉप्टर काची भेज को या बाय कर पहले। हाँ क्या खानू तू, क्या खानू? आप देख सकते हो पुलिस वाले किसी को गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, दो दो हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो कर्म किया होगा। मेरे को हाथ पे हथकड़ी लगी हुई है यार, अब पता नहीं क्या किया, इतना तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मेले में आए गलत काम ना करें, लड़की न चिड़े वरना बहुत पछताओगे। दोस्तों आज काफ़ी शॉपिंग की है, आज सस्ता भी मिल रहा था तो आज मैं बताता हूँ क्या क्या लिया हमने। ये देखो ये तो मौसी जी ने लिया है अपने अपने लिए, एक स्वेटर लिया नानी ने, काना ने क्या लिया? फ्रिज का कवर है भाई। ये देखो फ्रिज, काना चप्पल लाया तो आपने लिया। मौसी ने फ्रिज लिया नहीं है, कवर पहले ले लिया। फ्रिज भी आ जाएगा। ये देखो मैंने ये वाले लोवर लिए, मैंने ये वाले लोवर लिए, तो ये वाले लोवर लिए, ये काफी सस्ते मिले थे 150 में, क्वालिटी काफी अच्छी है। काफी शॉपिंग किया यार आज, काफी सस्ता मिल रहा था। तो दोस्तों अभी गोपी गुंजन भी आ गए हैं स्कूल से, कैसा लगा आज का स्कूल में? ठीक ही था। गुंजन की आवाज बैठ गई है चिल्ला चिल्ला के। ठीक ही था। गोपी कैसा रहा आज का दिन? मजा आया। सुधी क्या कर रहा है? तू सोया ही नहीं टाइम पे 2 बजे। तो शाम भी काफी हो चुकी है और मेला भी अभी तक चालू है। मौसी ये लोग तो मेले में ही जा रखे हैं, इस टाइम फिर से गए तो इस टाइम मैं अकेला हूँ क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारी है इसकी। ये देखो तो कान्हा अकेले सो रहा है, तो यार फिर एक बंदे को घर पे रहना जरूर पड़ेगा, तो मैं घर पे हूँ, जब वो लोग आएंगे उसके बाद मैं मेले में जाऊंगा। एक बार शाम के टाइम आपको पूरा पोखरी का व्यू दिखा देता हूँ, एकदम मस्त लग रहा है। इधर मेरे पीछे देखो, ये जितने भी अपार्टमेंट हैं ये सारे उनको मिले हुए हैं PWD वालों को, गवर्नमेंट में। और इस साइड मेला लगा हुआ है, जो ये फील्ड है यहीं ऊपर पे है, तो आप देखो अभी भी काफ़ी भीड़ है। तो दोस्तों शाम हो चुके हैं और ये भाई भी जाने वाले हैं, सारी दुकानें चली गई हैं, सिर्फ इनकी एक दो दुकान बची हैं, तो भाई इस टाइम फ्री में खिला रहे हैं सबको। इनको तो पता नहीं इनसे पैसे लेंगे, हमको फ्री में। आज भाई का बिल्कुल ही काम नहीं चला है, क्या ही बताएं भाई को। अब तो कैसा लग रहा है जाने से? अच्छा लग रहा है, काम चल नहीं रहा है तो क्या करें? घर अपना यहीं है रुद्रप्रयाग। वो यहीं है लोकल के? नहीं रुद्रप्रयाग नीचे। वैसे तो मेरा कल है लास्ट, लेकिन दुकानें सारी आज ही खत्म हो गई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि होगा।
तो ये पानी पूरी वाले भाई को पुलिस वालों ने बुला दिया, पता नहीं क्या सीन ले गए। क्या बोल रहे हैं वो, बोले सत्यापन दिखाओ, चार दिन के लिए आदमी आएगा तो सत्यापन करेगा भाई, अपनी आईडी तो दिखा सकता है। बारिश स्टार्ट होते ही सभी लोग नीचे आने लगे हैं। मैंने सोचा यार खाली बैठे थे, थोड़ा काम ही कर लेते, क्योंकि जब मौसी रहती है तो मौसी कुछ करने नहीं देती यार, जबकि काम बहुत रहता है, तो हम यार खाली बैठने वाले कहाँ हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा काम कर लेते हैं। पहले से आते हुए नानी हमारी, बारिश हो गई है, नीचे देखो इस टाइम बहुत सस्ता मिल रहा होगा सामान, तो सब लोग जा रखे हैं। बारिश के मौसम में पूरी पोखरी में कोरा ही कोरा हो गया है, ये देखो इस साइड। मेला अभी भी चल ही रहा है पर बहुत कम है, मुझे लग रहा है आज चलेगा, कल बंद हो जाएगा क्योंकि दुकानें सारी चली गई हैं। ये देखो दोस्तों, ये गुंजन लाई है इसके लिए। वहाँ चलते हैं घर की ओर, काफ़ी दिन हो गए थे पोखरी में, काफ़ी मज़ा आया, अब घर पर रहते हैं, काम वाम करते हैं कुछ। यहाँ देखो मेला सारा ख़त्म हो गया है, आज भी था वैसे लेकिन पूरा ख़त्म हो गया है। घर पे पहुंच चुका हूं और इस टाइम बहुत कड़क की धूप लगी पड़ी है, और आज मैं इनवाइट हूं खाने में अपने गांव में श्राद्ध के टाइम पर, तो मैं अभी गांव में जाता हूं और अपने गांव में दिखाता हूं कैसे आज ब्रह्मभोज खिलाया जा रहा है गांव में राहुल के यहां पे, काफी लोग आ रखे हैं क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है, और ये पूरे गाँव वाले आ चुके हैं, हमारे प्रिंस भाई, ये दिग्विजय, ये देखो ये हमारी दादी यहाँ पे अकेले बैठी हुई है। अकेले क्यों बैठे हैं तुम? यो घाम होएगा, घुमा घाम होएगा। ये थाली ला रखी है और किसी को यहीं से मिल रहे हैं पत्तल। काफी धूप हो रही है इस टाइम यहाँ पर, इस टाइम खाना इस साइड बन रहा है, और गांव के से बड़े बुजुर्ग इस साइड आ रखे हैं। एक बार आपको पूरा दिखा देता हूँ, आज भी गाँव के लोग पुरानी मान्यता से खाते हैं, सभी लोग एक साथ बैठ के, बड़े बुजुर्ग ऊपर साइड, कोई नीचे साइड। ये देखो यहाँ पे रोहित भाई भी बांट रहे हैं, तो काफी अच्छी बात है। ये पंडित जी की खाना बांटने की परंपरा है, ये वर्षों से चली आ रही है, तो इसमें दो व्यंजन तो वो देते हैं और सारे हम देते हैं, दो मतलब दाल भात वही देते हैं। जिस टाइम वो जाते हैं उस टाइम सभी लोग चप्पल उतार देते हैं, उनके सामने अगर चप्पल दिख जाए तो क्या होता है, अच्छा नहीं आया हमारा, मतलब अशुभ है, धार्मिक चीज है ना ये, अशुभ मान लो, धार्मिक कार्यक्रम है तो इसमें चप्पल नहीं ले जाए तो बेहतर, क्योंकि अन्न देवता नहीं तो नाराज हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी गांव के सभी लोगों ने खाना खा लिया, अब हमारी बारी है, हमसे पहले पंडित जी खाएंगे उसके बाद हम लोग खाएंगे, तो अभी सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो